अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज फोर्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स किसी भी चीज़ के खींचने या उसको धक्का देने को हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स तभी अप्लाई हो सकता है जब एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में इंपैक्ट करेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच करेंगे तभी फोर्स अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं पुश की। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम प्रेशर या फोर्स लगाएंगे ताकि उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकें तो उसको हम बोलते हैं पुश। अगर हम उसकी एग्जांपल की बात करें तो जिस तरह कि कोई भी बच्चा जब बॉल को किक करता है तो उसको हम पुश कहते हैं। दूसरी एग्जांपल में बाइक को चलाना, बाइसाइकिल को चलाने को भी हम पुश कहते हैं। जस्ट लाइक हिटिंग अ बॉल, अगर बॉल को हिट करें वो भी आपका पुश कहलाता है। या पुशिंग अ कार्ट, या किसी ट्रॉली को धक्का दिया जाए उसको भी पुश कहलाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, जस्ट लाइक पुशिंग अप, आपका पंचिंग, आपका स्लैपिंग, ये सब की सब आपकी पुश में आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पुल की। जब भी किसी फोर्स को लगाया जाए या फोर्स लगाने की कोशिश की जाए ताकि आपका जो बॉडी है वो मोशन में आ सके, यानी कि वो उस पर फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी मोशन में आपकी आ जाए फोर्स की वजह से। अगर हम बात करें पुलिंग ग्रास, ग्रास को खींचना, या फिर हम बात करें फिशिंग, जस्ट लाइक जब हम फिश करते हैं तो मछली को जब बाहर निकालने के लिए खींचते हैं उसको हम पुल बोलते हैं। या फिर पुलिंग अप लग, या यानी कि किसी भी स्विच को निकालने को पुल बोलते हैं। या फिर फ्लाइंग प्लेइंग काइट, काइट को उड़ाने में भी पुल का यूज़ होता है। जस्ट लाइक ड्रैगिंग, किसी को खींच के ले जाना, जस्ट लाइक चेयर हो गई, टेबल हो गई, उसको भी पुल बोलते हैं। या पुलिंग अ डॉग, ये सारी एग्जांपल्स आपकी पुल की कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि फोर्स लगाने से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो जो चीज़ स्टॉप में है। जस्ट लाइक एक चेयर अभी रेस्ट में है, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चेयर मूव करने लग जाएगी। सेकंड पे आता है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई बॉल हमारी तरफ आ रही है तो फोर्स लगा के उस बॉल को हम रोक सकते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे आता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ के पीसीस से हमने उसके ब्लॉक्स बना दिए, या बर्फ़ के पीस से लेके हमने ये यहाँ पे ड्राइंग बनाई है। या किसी भी, अगर आप गिलास लेते हैं प्लास्टिक का, उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें, फोर्थ नंबर पे जो इफ़ेक्ट की बात करें उसमें आ जाता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से हम जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक जब आप एक बॉल, आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल आ रही है, जब आप उसको हिट करेंगे तो उस बॉल की डायरेक्शन को अपने मुताबिक किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। अगर हम फिफ्थ फोर्स इफेक्ट की बात करें तो उसमें आ जाता है फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक बॉल है, अगर आप एक बॉल को जोर से किक करेंगे तो उस बॉल की उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी।
नेक्स्ट इफेक्ट में आता है आपका फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई बॉल आ रही है तेजी से, तो आप उसको फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। या अगर आप एरोप्लेन से जंप करते हैं तो बहुत तेजी से नीचे आ रहे होते हैं, तो जैसे ही आप पैराशूट ओपन करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो फोर्स की मदद से स्लो हो जाती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस तरह की टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? अ कॉन्टेक्ट फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डेट आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। यानी वो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करें, यानी कि वो दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए। जस्ट लाइक एक आदमी जब किसी टेबल पे फोर्स लगाता है तो उस टेबल को उसे टच करना होता है, तभी वो टेबल आपकी मूव कर पाएगी। जो इसका दूसरा टाइप्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इज अ फोर्स एट अ डिस्टेंस इट अकर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नॉट टचिंग ईच अदर। यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स कहलाता है जो बिना टच किए ही उस पे फोर्स लग जाए। जस्ट लाइक अगर हम एक बॉल को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो बॉल ऑटोमेटिक नीचे आके ज़मीन पे गिरता है, कोई भी फोर्स उसको टच नहीं हुई फिर भी वो बॉल नीचे आके गिरा। यानी कि उस पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है, और ग्रेविटी के फोर्स लगाने के लिए बॉडी को टच करना ज़रूरी नहीं होता।